बेंगलुरु के चिन्ना स्वामी स्टेडियम में तीन मैचों की T20 सीरीज के आखिरी मैच में इंग्लैंड को पहले सुरेश रैना और महेंद्र सिंह धोनी के रिकॉर्ड अर्धशतकों ने इंग्लैंड के गेंदबाजों को धोते हुए भारत को 200 रनों का आंकड़ा पार कराया। इसके बाद युवा गेंदबाज यजुवेंद्र चहल की फिरकी में इंग्लिश बल्लेबाज ऐसे फंसे कि उनकी और बुमराह की गेंदों को मिलाकर कुल 20 गेंद इंग्लिश बल्लेबाजों के लिए भारी पड़ गई और उनकी टीम 127 रनों के स्कोर पर ही ढेर हो गई। भारत ने 20 ओवर में 6 विकेट पर 202 रन बनाए। इसके बाद लेग स्पिनर यजुवेंद्र चहल के ड्रीम स्पेल और उन्हें मिले जसप्रीत बुमराह के साथ में 13.2 ओवर में 3 विकेट पर 119 रन के स्कोर के साथ जीत की तरफ बढ़ रहे इंग्लैंड के सभी बल्लेबाजों को सिर्फ 20 गेंद के अंदर पेविलियन लौटा दिया। लेकिन इस मैच के दौरान एक मौका ऐसा भी आया जब अपनी कप्तानी के दौरान कैप्टन कूल कहे जाने वाले महेंद्र सिंह धोनी नाराज होते दिखाई दिए। दरअसल भारतीय गेंदबाजी के दौरान यजुवेंद्र चहल ने रनआउट के आसान मौके को आसानी से हाथ से जाने दिया, जिसके बाद धोनी अपना आपा खो बैठे। ये इंग्लिश पारी का दूसरा ही ओवर था। जो रूट और जेसन रॉय क्रीज पर थे, इंग्लैंड का स्कोर उस वक्त 9 रन पर 1 विकेट था। इस ओवर में भारत के पास एक और विकेट लेने का अवसर था। जो रूट ने जैसे ही चहल की गेंद बल्ले से मारी तो कप्तान विराट कोहली ने तुरंत गेंद लपक कर यजुवेंद्र की तरफ थ्रो की, लेकिन तब तक रॉय आधी से ज्यादा क्रीज पार कर चुके थे। रूट ने भी उन्हें रुकने को नहीं बोला था। इसके बाद यजुवेंद्र ने गौर नहीं किया और उन्होंने गेंद विकेटकीपर महेंद्र सिंह धोनी की तरफ फेंक दी। असल में उन्हें गेंद अपनी ही तरफ स्टंप्स पर मारनी चाहिए थी, इससे भारत को रॉय का विकेट मिल जाता। लेकिन जैसे ही चहल ने विकेटकीपर की तरफ गेंद फेंकी, धोनी चिल्लाते हुए चहल पर भड़क गए